नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हम उस विषय को थोड़ा आगे ले चलते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर लिए, वो कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जो अगला हमारा विषय है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारा बेस है, उससे हम और क्या चीज़ें बनती हैं, कैसी कैसी चीज़ें जिनका बेस तो है कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन उससे हमने कोई कोई चीज निकाली हुई है जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का मतलब हुआ COH से कोई चीज को हमने ड्राइव किया, कोई नई चीज बनाई, नए कंपाउंड्स बना दिए, नई चीजें बना दी, और लेकिन बनेगी वो कब, जब उसका बेस जो ग्रुप है वो COH ही रहेगा। ये ग्रुप, ये समूह तो है, इसी को हम कोई भी छोटी छोटी चेंजेस करके हम इसको नए डेरिवेटिव्स में बना सकते हैं, तो वो एक अलग से एक नई श्रेणी कंपाउंड्स की बन जाएगी। अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में जो मेन चार डेरिवेटिव हैं वो है एस्टर, वो है एसिड क्लोराइड, वो है एनहाइड्राइड्स और वो है एमाइड्स। मतलब हुआ इस COH में हम कुछ ऐसी चीजें करें, ये रिप्लेसमेंट करें, इस OH की हम रिप्लेस करें और हमारे पास चार नए डेरिवेटिव्स बन जाए, चार नए कंपाउंड बन जाए। जैसे कि आपके पास कोई चीज है, आपने उसमें थोड़ा ऐड कर दी कोई चीज माइनस कर दी तो नई चीज बन गई, लेकिन बेस तो वही है, मेन चीज तो वही है। मेन चीज क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COH ग्रुप। COH ग्रुप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, थोड़ी सी विविधता लाई और हमारे पास चार अलग अलग नए नए चीजें बन गई, चार नए कंपाउंड बन गए। एक मैंने आपको बताया एस्टर, दूसरा मैंने बताया आपको एसिड क्लोराइड, तीसरा मैंने बताया एनहाइड्राइड और चौथा बताया मैंने एमाइड्स। अब ये चारों हैं क्या और क्या इनका स्ट्रक्चर है, कैसे दिखता है, कैसे बनता है, क्या चीज इसकी एसिड के साथ कॉमन है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या चीज है और ये क्या चीज है। देखिए ये है हमारा जनरल फॉर्मूला एसिड का, RCOH और RCOOR- ये है हमारा एस्टर। कैसे बनेंगे, क्या प्रॉपर्टीज है, वो बाद की बात है। पर पहला डेरिवेटिव क्या बनाया हमने, एस्टर। किसको बनाया, इस देखो ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, OR से, तो बन गया हमारा कंपाउंड, नया बन गया क्या, एस्टर। कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो जब हम अलग से इसको पढ़ेंगे, इसका विवरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका प्रिपरेशन क्या है, क्या है क्या नहीं। लेकिन पहला डेरिवेटिव क्या है, एसिड से एस्टर, तो मतलब हुआ हमने इस OH को हटा के OR बना दिया तो बन गया एस्टर। दूसरा है हमारा, हमने बनाया इसको RCOCl, तो क्या किया हमने, इस OH को रिप्लेस कर दिया, बदल दिया किससे, हेलोजन से, क्लोरीन से, या X बोल सकते हैं हम इसको, RCOX और नाम हो जाएगा इसका एसिड क्लोराइड्स। अगर हम
क्लोरीन यूज करते हैं तो नाम हो जाता है एसिड क्लोराइड्स। तो दूसरी चेंज आ गई, बेसिक आपका RCOH, आपने OH को हटाया और OR बना दिया, बन गया एस्टर। आपने OH को हटाया, Cl डाल दिया तो बन गया एसिड क्लोराइड्स। तीसरा, इसी RCOH में हमने फिर एक तब्दीली लाई, एक चीज को बदला, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। क्या किया हमने, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखिए ध्यान से, इसको बोलेंगे हम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसमें से हमने दो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, पानी के वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया। इसमें से हमने दो मॉलिक्यूल्स में से पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया और जो कंपाउंड बाहर बन के आया उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। जब पानी डालते हैं तो कंपाउंड हो जाता है हाइड्रोलिसिस, पानी निकालते हैं तो एनहाइड्राइड। पानी को निकालने की विधि को हम एनहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। आपने डिहाइड्रेशन करी तो बन गया एनहाइड्राइड, आपने हाइड्रेशन करी तो बन गया हाइड्रोलिसिस। तो क्या किया हमने, एसिड को एनहाइड्राइड में, तो ये भी। लेकिन बेसिक देखा जाए तो क्या है, RCOOH, इसमें से वाटर को निकाला तो हमारे पास बन गया RCOO। मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो कंपाउंड बना, जो मॉलिक्यूल बना, उसका नाम है एनहाइड्राइड। ये तीसरा डेरिवेटिव है। चौथा डेरिवेटिव है, RCOH को हमने बना दिया RCONH2, तो बन गया एमाइड। किससे रिप्लेस कर दिया हमने OH को, NH2 ग्रुप से, वो बन गया एमाइड। तो कैसे हमने देखा कि हमने छोटी छोटी चेंजेस करके एक एसिड ग्रुप को, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को चार विभिन्न कंपाउंड्स में तब्दील कर दिया। पहला बना दिया एस्टर, दूसरा बना दिया एसिड क्लोराइड, तीसरा बना दिया एनहाइड्राइड और चौथा बना दिया एमाइड। ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये एसिड से बन भी सकते हैं और इनसे एसिड बन भी सकता है। मतलब हुआ, इसी को रिवर्स करोगे तो वापस एसिड मिलेगा, इसी को रिवर्स करेंगे तो वापस एसिड भी मिलेगा, एक दूसरे में तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितनी आसानी से बनते हैं उतनी आसानी से हम इसको वापस भी ले सकते हैं। तो श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जिस डेरिवेटिव को हम पढ़ने जाएंगे वो है एस्टर। अब तक तो आप जान ही चुके हो, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े तब भी हमने एस्टर्स को बड़े अच्छे से पढ़ा। हमने बताया हाइड्रोलिसिस करते हैं और हम एसिड बना सकते हैं उससे, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी की हमने, अमल के की प्रेजेंस में भी हमने वो हाइड्रोलिसिस करी और हमने एस्टर्स को एसिड में तब्दील कर दिया। मतलब हम एस्टर से एसिड बना पाए। अब उन्हीं चीजों को हम थोड़ा अच्छे से, विषय को हम अच्छे से विवरण करेंगे कि क्या चीज है, कि कैसे बनता है और क्या बोल सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के चार डेरिवेटिव्स हैं और सबसे पहला है एस्टर्स, RCOR-, इनको बोला जाता है एस्टर्स। अब ये एस्टर्स है, इसको हम नाम क्या देंगे, कौन सा ग्रुप है जिसको हम एस्टर बोलेंगे। दिस इज द ग्रुप COOR, ये समूह अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे ये एस्टर है। लेकिन अब इस एस्टर का नाम कैसे दें, जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, इसको नाम कैसे दें। मैंने जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाए मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड्स का दो तरीके से नाम होता है, एक होता है कॉमन, आप उसको कॉमनली क्या बोलते हैं। जैसे मैंने फॉर्मिक एसिड की एग्जांपल दी थी कि वो जिस सोर्स से निकला वही नाम हमने दे दिया, वो एंट से निकलता है इसलिए उसको फॉर्मिका बोलते हैं, इस वजह से उसका नाम फॉर्मिक एसिड है। ऐसे ही एक कॉमन नेम और एक जो टेक्निकल नेम होता है जिसको हम आयुपैक नेम सिस्टम बोलते हैं, उसमें इसका कैसे नाम आएगा। तो ऐसे ही एस्टर्स का भी कॉमन नेम भी है और आयुपैक नेम भी। अब इसमें जो वर्ड यूज होना है हमेशा एस्टर्स में ATE, एट वर्ड हमेशा यूज होना है। कॉमन में भी हम यूज करते हैं और आईपैक में भी करते हैं। थोड़ा सा अंतर है कि हम जो कॉमनली बात बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, वो आईपैक नेम में ऐसा नहीं आता। जो सबसे जरूरी चीज है नाम देने के लिए वो ये है
कि जो भी एस्टर है वो बनता कैसे है, पहले इसको समझो, फिर आपको आसानी हो जाएगी नाम देने। देखिए ये है एसिड, से मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, और मैंने ले लिया इथेनॉल, इथेनॉल हो गया C2H5OH, ये है एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल। अगर हमने इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास बन जाता है CH3COOET। अब इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम हमने कैसे देना है, हमने हमेशा उस शब्द को पहले लेना है जो इसमें अल्कोहल का काम करता है, और एंड किससे करना है, जिस जो इसमें एसिड का काम करता है, और एंड में एट वर्ड को जोड़ देना है। देखिए कैसे, यहां पर कॉमन नेम क्या है इथेनॉल का, C2H5OH का नाम है इथेनॉल, तो ये हमें स्टार्ट करना है इथाइल से, ईटी वर्ड इथेनॉल के लिए हमने वर्ड यूज करना है इथाइल, तो एल्कोहल का नाम पहले, और इसका नाम है एसिटिक एसिड, तो इसको हम एससी हो गया इथाइल एससी, और मैंने बताया एंड किससे करना है एट, तो वर्ड कॉमन नेम क्या हो गया इथाइल एसीटेट। इथाइल क्यों बोला, इथाइल इसलिए बोला यहां एंड में इथाइल है, मींस ये एल्कोहल वाला पार्ट है, ये एसिटिक एसिड था, एसीटेट और एट वर्ड हमने यूज कर दिया उसको एंड करने के लिए। चलिए एक और उदाहरण देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए क्या होगा और साफ हो जाए। चलिए हम करते हैं इसका नाम, देखिए ये है हमारा एसिटेट, ये ग्रुप एट वाला ग्रुप, ये देखना है आपने एसिड पार्ट क्या है और ये पार्ट क्या है, तो ईटी पार्ट के लिए हम यूज करेंगे इथाइल, और ये कौन सा एसिड है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का वर्ड हो गया फॉर, तो फॉर्मेट, आपने पहले यूज किया एसीटेट इथाइल फॉर्मेट। सो क्या करना है, हमने स्टार्ट तो करना है जो जहां से ये एंड होता है कंपाउंड, और फिर जहां से ये शुरू होता है, और एंड करना है हमने एट वर्ड से, ये तो कॉमन वर्ड हो गया इथाइल फॉर्मेट। अगर आप लिखते हो से एक और हमने बनाया एग्जाम्पल COO मिथ, एमी का वर्ड मतलब होता है मिथाइल, तो क्या होना चाहिए, देखिए मिथाइल और एसिड कौन सा था ये बेंजोइक, बेंजोएट, बेंजोएट, एट वर्ड यूज होगा खत्म करने के लिए, जब भी एट वर्ड यूज होगा मतलब कि ये एस्टर है, और मिथाइल क्या इंडिकेट करता है, मिथाइल का मतलब है एल्कोहल वाला पार्ट, और बीच वाला ये क्या इंडिकेट करता है एसिड का पार्ट, ये कॉमन तरीका है इसको नाम देने का, इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, बेंजोइल एसीटेट, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इसी एस्टर को हम कॉमनली कैसे पुकारेंगे। अब अगर हमने आयुपैक के हिसाब से देना है तब हम इसको कैसे नाम देंगे, चलिए अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड क्या याद है नोमेनक्लेचर, उसमें हमने मेथोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, इथेनोनिक एसिड, ऐसे करके हमने नाम दिया था, विटनोइक एसिड एंड सो ऑन, ऐसे ही अब हमने इसमें देखना है, चलिए CH3COO C2H5 को हमेशा हम बोलते हैं हमेशा इथाइल, इथाइल, और कितने कार्बन है 1 and 2, इथो नेट, इथाइल इथोनेट, ऐसे ही आप लिखिए CH3COOME, तो मिथाइल, क्या वर्ड या एम ई किसके लिए होता है, इसको हम CH3 लिखते हैं, और CH3 को हम क्या बोलते हैं मिथाइल, तो हम बोलेंगे मिथाइल मिथो इथाइल मिथाइल इथोनेट, तो बात समझ गए आयुपैक और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है। आयुपैक में हमने इस चीज को एसिड, क्योंकि कॉमनली हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो हम एसी का वर्ड यूज किया, इथाइल यूज किया, एसिड का नाम किया, फिर एड किया, लेकिन आयुपैक के हिसाब से हम इसको एसिटिक एसिड नहीं बोलते, हम इसको इथोनिक एसिड बोलते है ना, ऐसे ही
अगर हम फॉर्मिक लेते हैं तो फॉर्मिक तो कॉमन नेम है पर वो मिथोनेट है, मिथोनिक एसिड है. सो ऑन हमने क्या करना है, जो आयुपेक में एसिड का नाम है, जो आयुपेक में एल्कोहल का नाम है, और एंड कर देना है एक वर्ड से. तो नॉमनक्लेचर इजी हो जाएगा, आयुपेक के हिसाब से टेक्निकली ठीक हो जाएगा कि उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में अगर नाम देना है इथाइल एसीटेट, इसका इथाइल एसीटेट का, तो वो हम इथोनेट के हिसाब से देंगे, और अगर हमने कॉमन के हिसाब से देना है तो एसीटेट के हिसाब से देंगे. तो ये हो गया इसको बताने का, इसको बुलाने का, इसको डेजिग्नेट करने का, इसको नाम देने का तरीका नॉमनक्लेचर एस्टर्स का. अब हम देखते हैं इनको हमने बनाना कैसे है, इनके बनाने की विधि क्या है, क्या विधियां हैं जिससे हम इनको बना सकते हैं, एस्टर्स को बना सकते हैं. तो प्रिपरेशन हो गई हमारी. इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं. अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद है और हमने पढ़ा, हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एक उसकी विशेषता थी, एक प्रॉपर्टी थी, क्या बताया था कि एस्टर्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेस के प्रेजेंस में, उसके होने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, NaOH, या हम अमल एसिड के प्रेजेंस में करते हैं उस वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब पानी को ऐड करते हैं, पानी को उसमें जमा करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है वो एसिड है. अब ये उसकी रिवर्स में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे एल्कोहल और एसिड को मिलाएंगे तो हम एस्टर बनाएंगे. तो बहुत तरीके से हम एस्टर्स को बना सकते हैं. सबसे पहला जो तरीका है वो है सब कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, एसिड एंड एल्कोहल. किसी भी दो कंपाउंड्स को एक होना चाहिए एसिड, दूसरा होना चाहिए एल्कोहल. एसिड ग्रुप आप जानते हो क्या है, COH. एल्कोहल ग्रुप आप क्या जानते हो, OH. तो दोनों श्रेणियों को जब हम रिएक्ट कराएंगे, हम उनकी रिएक्शन करेंगे, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसको हम एस्टर बोलेंगे. मैं एक जनरल लिख रही हूं आम भाषा में, RCOOH. क्या है ये, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक हो गया. अब इसमें मैंने क्या जमा करना है, एल्कोहल से C2H5OH. क्या नाम होता है इसका, नाम होता है इथेनॉल. क्या है ये, एल्कोहल. इन दोनों को अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में आपस में कोशिश करते हैं हम रिएक्ट करने में, तो क्या होगा, जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो होगा RCOOC2H5. चलिए इस R को हम बदल देते हैं, R की जगह हम मिथाइल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये CH3COH. इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, और इसमें हमने क्या डाल दिया, इथेनॉल. और अब देखिए क्या कंपाउंड बना, CH3COOC2H5. क्या है ये, एट. किसका एट, इथाइल. और कौन सा एसिड, एसिटिक. ठीक है, तो तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास नाम आएगा इथाइल एसीटेट. तो हमारे पास जो कंपाउंड बन गया वो बन गया एस्टर. तो ये एक विधि है जिससे हम एस्टर को बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया, किसका, एसिड का और एल्कोहल का, और बना दिया एस्टर. चाहे तो आपने इथाइल एसीटेट बनाओ, चाहे तो आप मिथाइल एसीटेट बनाओ, आपको जो भी डेरिवेटिव एस्टर का चाहिए हम इसको बना सकते हैं. उदाहरण के लिए अगर आपने R को मिथाइल बनाया, R को आप मिथाइल लिख सकते हो, R को आप इथाइल लिख सकते हो, R को आप प्रोपाइल लिख सकते हो. जैसे जैसे बदलोगे वैसे वैसे आपका जो लास्ट का प्रोडक्ट है, अंतिम जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो भी बदलेगा. R भी बदल सकता है और R डैश भी. अगर हमने इथेनॉल लिया, हम इथेनॉल भी ले सकते हैं, हम प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं,
जो भी एल्काइल ग्रुप, तो ये एक जनरल बात होती है, आर हमारे पास होता है जनरल एल्काइल ग्रुप, आर डैश भी हमारे पास है जनरल एल्काइल ग्रुप, हम चेंज कर सकते हैं आर को भी आर डैश को भी, ये कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको कभी ये आ जाए, आप इथाइल एसिटेट कैसे बना सकते हैं, किस विधि से बना सकते हैं, आप एस्टर बनाने के लिए एसिटिक एसिड से इथाइल एसिटेट कैसे बना सकते हैं, तो एकदम क्या आना है, एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, एल्कोहल है हमारा इथेनॉल, दोनों को हमने मिलाया, हमारे पास इथाइल एसिटेट बन गया। अब अगर इथाइल एसिटेट की जगह पूछ लिया, आप मिथाइल एसिटेट क्या कैसे बना सकते हो, पहले तो मिथाइल एसिटेट का फॉर्मूला देखिए, CH3COO और ME, तो आपको क्या देखना है, एसिड पार्ट तो क्लियर है CH3COO, ये पार्ट क्या है मिथेनॉल, तो एसिड तो हो गया है एसिटिक एसिड और एल्कोहल हो गया ME, या हम इसको CH3OH लिखें, CH3OH प्लस CH3COH और हमारा कंपाउंड बन जाएगा मिथाइल एसिटेट। ऐसे करके हमारी सबसे सबसे ज्यादा यील्ड में, अच्छी तादाद में जो चीज मिलती है वो है हाइड्रोलिसिस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसिड एंड एल्कोहल, ये एक उदाहरण है इसका सिंथेसिस करने का, इसका बनाने का, इसका प्रिपरेशन करने का, कि एस्टर्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आ गया दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है एसिड क्लोराइड्स से, एसिड क्लोराइड्स, जो भी अभी आपको मैंने बताया एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, उसमें मैंने बताया एक एस्टर है, एक एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का मतलब हुआ RCOCl, इससे भी हम एस्टर बना सकते हैं, लेकिन कैसे, कुछ तो होगा, आपने अभी जो बनाया एस्टर कैसे बनाया, एसिड में एल्कोहल डाला, अब हम डालेंगे एसिड क्लोराइड में एल्कोहल, तो हमने क्या डाल दिया, आर डैश ओ एच, तो देखिए क्या बनता है, आर सी ओ ओ आर डैश प्लस एच सी एल, यहां से H गया और यहां से Cl गया, यहां से H गया, यहां से Cl गया और ये OR डैश यहां चला गया, तो हमारे पास क्या मिल गया, RCOR, ये क्या है ग्रुप, दिस इज 8, ये आपका एल्कोहल क्या था, जो भी आप एल्कोहल लोगे ये आपका एसिड क्या है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, हम यहां लेते हैं हम C2H5COCl, थायल एसिड क्लोराइड है ना, प्लस हमने डाल दिया एल्कोहल, चलिए हम ले लेते हैं CH3OH, तो इसमें से निकला क्या और कंपाउंड क्या बना, देखिए बना C2H5COOCH3, तो क्या है ये, एस्टर है कि नहीं, एस्टर है, क्यों, क्योंकि ये हमारा है 8 ग्रुप, ठीक है, ये है मिथाइल ग्रुप, तो हो गया मिथाइल, और ये अब हमने देखना है ये क्या है, ये इथेनोएट है, क्या क्या है, कि मिथाइल है, प्रोपाइल है, क्या है, तो हम लिखेंगे मिथाइल इथोनेट, मतलब हमारा जो एसिड था वो C2H5COH है, तो उसी के हिसाब से हमारा एस्टर में वो कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। चलिए ये तो हो गया दूसरा मेथड, कि हम एसिड क्लोराइड्स में एल्कोहल डालते हैं और हमें एस्टर मिल जाता है। चलिए अगला एक और हम इसके बनाते हैं, इसके बनाने की एक और विधि देखते हैं, वो क्या है, एनहाइड्राइड से, कहां से, एनहाइड्राइड, जैसे कि मैंने बताया एनहाइड्राइड का मतलब है उसमें से वाटर निकल गया, H2O वाटर उसमें से निकल गया, ये है हमारा एनहाइड्राइड RCO और twice O, इसको हमने एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया और हमें मिल गया एस्टर प्लस एसिड। अब इसको उदाहरण ले लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड किससे बना है, ये एसिटिक एसिड से, दो एसिटिक एसिड के तो मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें से पानी निकल गया तो बन गया एसिटिक, ये हम पढ़ेंगे जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, एल्कोहल, क्या डाला, इथेनॉल, ये है हमारा इथेनॉल, ये था एसिटिक एनहाइड्राइड, और देखिए हमारे पास क्या मिल गया, CH3COC2H5, अब तक इसका नाम अब अच्छे से जान गए, ये है इथाइल एसीटेट, ठीक है,
और साथ में मिल गया एसिटिक एसिड। तो ये भी एक विधि है हमारे को एस्टर बनाने के लिए। पहली विधि मैंने बताई एसिड और एल्कोहल को कंबाइन किया, दूसरी विधि मैंने बनाई एसिड क्लोराइड और एल्कोहल को डाल दिया, तीसरी विधि मैंने बताई एसिटिक एनहाइड्राइड और एल्कोहल को हमने ऐड कर दिया, मिला दिया, रिएक्शन कर दी और हमें एस्टर मिल गया। जिनसे हम डेरिवेटिव जो एसिड से बनाते हैं उसी से हम एक से दूसरे में हम उसको बदल भी सकते हैं। यही है इसका विधि का जो शेष, जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त में हम कह सकते हैं जो हमारे ये एसिड डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड है, क्लोराइड्स है या एस्टर्स है, ये हम आपस में एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। एसिड से इनको बना भी सकते हैं और इनसे एसिड को बना भी लेते हैं। चलिए अब अगला एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, विधि है ट्रांस एस्टरीफिकेशन। ट्रांस एस्टरीफिकेशन का मतलब है, देखिए पहले मैं लिखती हूँ, चलिए हम उदाहरण के साथ ही लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। चलिए ये है हमारे पास जो पहले से ही हमारे पास एस्टर है। ट्रांस का मतलब है हमने एक दूसरे से बदल दिया, हमने इसमें डाल दिया देखिए ब्यूटेनॉल और यहां से हमने ले लिया इथाइल एसीटेट, एक दूसरे से चेंज तबादला कर दिया, मतलब ये हटा दिया ये लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम एक दूसरे का अदलाव बदलाव और ये बन जाता है ट्रांस एस्टरीफिकेशन। देखिए बनेगा क्या, CH3COOC4H9 प्लस C2H5OH। तो पहले तो था हमारे पास इथाइल एसीटेट, अब हमारे पास बन गया ब्यूटाइल एसीटेट, इसका नाम हम कहेंगे ब्यूटाइल एसीटेट। तो एक दूसरे से हमने बदल दिया, एक एस्टर से हमने दूसरा एस्टर बना दिया, मतलब आपने एसिड में एल्कोहल डाला तो एस्टर बना, हमने एसिड क्लोराइड में एल्कोहल डाला तो एस्टर बना, हमने एनहाइड्राइड में एल्कोहल डाला तो बना, अब हमने एस्टर में फिर एल्कोहल डाला तब भी हमारे पास एस्टर बना। तो किससे बदला हमने, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, हमने एल्कोहल चेंज कर दिया, अब हमको इथाइल नहीं चाहिए, हमको इथाइल की जगह ब्यूटाइल मिल गया। तो इस मेथड को, इस विधि को हम ट्रांस एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है आपको की जानकारी देते हुए, इससे हम बायोडीजल्स बनाते हैं, जो आपको पता है जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं अगर हम उसमें ट्रांस एस्टरीफिकेशन करते हैं तो हम बायोडीजल्स बनाते हैं, जिससे कि जो कि हमारे उत्तराखंड में चला भी, हमने एक बायोडीजल बनाया है, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जो खाने का तेल एक तेल है, वो भी एक एस्टर है, उस एस्टर में ट्रांस एस्टरीफिकेशन कर दिया। देखिए वो क्या है, ये होता है ग्लिसरॉल खाने के तेल में, यहां पर एल्कोहल की जगह एस्टर हो जाता है, कैसे, ये COOCH2N टाइम्स R, COOCH2N टाइम्स R, ग्लिसरॉल का एस्टर। हमारे पास ये तो है एसिड पार्ट, ये है अल्कोहल पार्ट, एक ही में तीन अल्कोहल है तो तीनों जुड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल है, इसमें हम मिथेनॉल डाल देते हैं और हमें मिल जाता है RCH2N times COOME। तो हमने बदल दिया, ग्लिसरॉल के पार्ट को हटा दिया और मिथेनॉल को डाल दिया, मिथाइल वाले पार्ट को डाल दिया और ये बन जाता है हमारा बायो डीजल। इस पे हमारा काम कर रहा है, जो हम पेट्रोल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांस एस्टरीफिकेशन वाला उदाहरण है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी, कि हम कैसे एक एस्टर से दूसरा एस्टर बना सकते हैं। और जब हम वेजिटेबल ऑयल से, खाने के तेल से हम देखिए पेट्रोल बनाते हैं, तो ये है डेरिवेटिव्स की असली कहानी। डेरिवेटिव्स बनाने से क्या फायदा है, ये उसका एप्लीकेशन है। हमने छोटा सा चेंज किया और कहां खाने के तेल को हमने बायोडीजल में कन्वर्ट कर दिया, बना दिया, उससे बायोडीजल बन गया।
ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विधि है कि हम एस्टर्स को बना सकते हैं। फिर एक लास्ट में जो मेथड है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन डाइएजोमीथेन के साथ, डाइएजोमीथेन। अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले, चलिए हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड को हमने किससे मिश्रण करना है, किससे रिएक्ट कराना है, डाइएजोमीथेन, CH2N2 को हम बोलते हैं डाइएजोमीथेन। ये थोड़ी गैस थोड़ी पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। ईथर में करते हैं हम हमेशा इसको और हमारे पास बन जाता है एस्टर। अच्छा मेथड है बनाने का, लेकिन इसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। क्या हिदायत ये है कि जब हम इस डाइएजोमीथेन का के साथ काम करते हैं, ये थोड़ी जहरीली गैस है, वैसे भी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए हमें थोड़ा प्रिकॉशन एहतियात लेनी पड़ती है। और इसमें ये वाली ये गैस है, इट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन ईथर, हम ईथर में इसको लेते हैं तब जाके हमारे पास ये बन जाता है। तो ये हो गए इसके कुछ चंद मेथड जिनसे हम इनको एस्टर्स को बना सकते हैं। अब आ गई इनकी विशेषताएं, इनकी प्रॉपर्टीज, क्या होते हैं एस्टर, कैसे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या क्या ये खास रिएक्शंस कर सकते हैं, रिएक्शंस का मतलब होता है क्या इससे हम बना सकते हैं, नई चीजें बन सकती है, या इसकी किसी के साथ कैसी उत्पत्ति होगी, कैसी रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन डालेंगे तब क्या करेगा, पानी डालेंगे तब क्या करेगा, रिडक्शन करेंगे तब क्या करेगा, वो इसकी विशेषताएं इनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल में ये होते कैसे हैं, लिक्विड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो ये एस्टर्स होते हैं इनकी बहुत अच्छी जो एक चीज़ है वो है इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो फ्रूटी स्मेल जिसको बोलते हैं हम, जो फलों में से खुशबू आती है उसको बोलते हैं फ्रूटी स्मेल। जो फलों की खुशबू होती है वो किससे होती है, एस्टर ग्रुप की वजह से। जैसे कि आप अगर देखो ऑरेंज की जो खुशबू है, ऑरेंज में जो खुशबू आती है वो संतरे में, उसमें होता है ऑक्टाइल एसीटेट, किस कंपाउंड की वजह से, ऑक्टाइल एसीटेट की जो खुशबू है वो ऑरेंज जैसी है, ऑरेंज की वजह जैसी है, ऑरेंज में जो महक है वो ऑक्टाइल एसीटेट। ऐसे ही अगर हम बताएं आपको बनाना में आइसोअमाइल एसीटेट की जो खुशबू जो है, आइसोअमाइल एसीटेट को अगर हम देखें, ये हमारे पास आइसोअमाइल एसीटेट है और हम इसकी खुशबू देखना चाहें वो कैसी होगी, जैसे कि केले में से आती है बनाना में, तभी हम बोलते हैं केला। केले की जो खुशबू जो है, मिलती खुशबू है, वो किससे, किसकी वजह, किस से उसका तालमेल बैठता है, आइसोअमाइल एसीटेट को अगर हम खुशबू लें तो वो केले वाली खुशबू होगी। ऐसे ही सेब की में की जैसी जो खुशबू आती है उसमें, वो किस उससे आती है, उस कंपाउंड का नाम है आइसोअमाइल वैलिरेट। मतलब अगर आइसोअमाइल वैलिरेट की हमने खुशबू देखनी तो किससे मिलेगी, एप्पल से। ऐसे ही ये इसकी बहुत अच्छी चीज है, अच्छी इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इससे फ्रूटी स्मेल आती है। तो हम अगर कभी हमें कंपाउंड को पहचानना हो फिजिकल अपीयरेंस से, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक हमें आइडिया मिल जाता है, उधर दिमाग में आ जाती है बात, वो क्या कि इसमें फ्रूटी स्मेल है तो ये एस्टर होगा। फ्रूटी स्मेल का मतलब हुआ फलों से मिलती हुई खुशबू। और ये सारे ये होते हैं लिक्विड्स होते हैं, ज्यादातर लिक्विड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, ज्यादातर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। कुछ कुछ चीजें हर एक में, हर नए नए कंपाउंड को अगर हम लेंगे तो कुछ कुछ भिन्नता होगी, लेकिन जनरली जब हम बोलते हैं, आम अगर हम बोलते हैं एस्टर में क्या है, तो ये तरल होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक हो गया। ये हो गए इसकी फिजिकल, अब हम कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज
जो इस एस्टर की है वो हमने थोड़ी बहुत जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप जानना चाहेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि सपोज मैं उदाहरण के लिए लिखती हूँ जेड नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे क्या है? ऐसी स्पीशी जो न्यूक्लियस को पसंद करते हैं। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब प्यार, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, फिलिक का मीनिंग ही होता है प्यार, और न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, जिसको हम बात करते हैं जो एटम है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक और जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है उसको इलेक्ट्रोफिलिक। अब मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का भी मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक चला गया उसकी जगह कोई आ गया, आज मैं नहीं हूं मेरी जगह कोई और आ गया, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक विशेषता है कि एस्टर्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसको सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, ये हटा सकता है अपने में से कोई चीज को और दूसरे को ऐड कर सकता है। और क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो चीज है जो इसको मजबूर करती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करे वो है ये CO कार्बोनाइल ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप की क्या विशेषता है कि ये हमेशा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R, मतलब दो चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं, एक हो गया प्लस एक हो गया माइनस, और न्यूक्लियोफाइल तो वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इसी वजह से ये यहाँ अटैक हुआ और ये बाहर निकल गया, तो हमारे पास जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट हो जाता है वो हो जाता है। मतलब हुआ हमने क्या किया, इस OR को हटा दिया उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट किससे हुआ, ये OR के क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ न्यूक्लियोफाइल से। तो इस विधि को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम एक उदाहरण लें तो अब आप जान जाओगे इसका मतलब क्या है। तो चलिए अब हम करते हैं, ये है हमारा CH3COO, चलिए मिथाइल CH3 ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, हमने ले लिया से C2H5OH, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और कहाँ जाएगा ये जाना है, और हमारे पास जो हमारा जो उत्पाद होगा वो किसका होगा CH3CO C2H5। तो किसको हमने हटा दिया, हमने OCH3 को हटा दिया, उसकी जगह OC2H5 को हम ले आए, तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसी चीज जो इसको सब्स्टिट्यूट कर रही है, और कौन है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो बन जाता है प्रोडक्ट, हमारे पास जो बन जाती है चीज, वो हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको याद हो जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड करे हमने कहा कि हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में, और जो कंपाउंड बन जाता है वो हमारे को एसिड बन जाता है। वो कैसे है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक उदाहरण है। जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ, हम ले रहे हैं RCOOR-NaOH, तो हमें मिल गया RCOONa सोडियम सॉल्ट प्लस RO R-H। तो ये हो गया
बेस की प्रेजेंस में, ऐसे ही हम एसिड की प्रेजेंस में भी इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एच, और पहले भी कर चुके हो तो हमें मिल जाएगा आर सी ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। तो किसी भी एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में करें तो सॉल्ट मिलता है, एसिड की प्रेजेंस में करें तो एसिड मिलता है। ये एक विशेषता है एस्टर की, ये एक विशेषता है कि हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी एक प्रॉपर्टी करते हैं हम, ये एक्शन विद PCl5 और थायनाइल क्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ है? विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और एंड थायोनाइल क्लोराइड। ये तो आप जान गए होंगे अभी तक, थायनाइल क्लोराइड किस, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड किसको बोलते हैं? क्या रिएक्शन है? आर सी ओ ओ आर डैश प्लस पी सी एल फाइव, ये हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और हमारे को मिल गया आर सी ओ सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस आर डैश ओ एच। तो देखिए हमने क्या किया, एस्टर को किसमें बना दिया? आर सी ओ सी एल, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूं ये क्या है, एसिड क्लोराइड। तो एक डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव में बदल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, बदलाव हो गया, एस्टर से हमने एसिड क्लोराइड भी बना। ऐसे ही हम इसको और रिएक्ट करते हैं किससे? थायनाइल क्लोराइड से, एसओ टू सी एल टू ये बना देगा आर सी ओ सी एल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि हम एस्टर से एसिड क्लोराइड्स बना सकते हैं। चलिए एक और रिएक्शन, वो है अमोनिया के साथ। हम एस्टर्स के साथ अमोनिया की रिएक्शन करते हैं और एमाइड्स बना देते हैं। तो आप देखिए इसकी विशेषता, एस्टर से एसिड क्लोराइड, एस्टर से एनहाइड्राइड, एस्टर से एसिड, एस्टर से एमाइड, एक दूसरे में बदलाव, एक डेरिवेटिव से दूसरे डेरिवेटिव में इसका कन्वर्शन। देखिए ये बन गया आर सी ओ एन एच टू, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वही एमाइड की प्रिपरेशन है। तो क्या बनाया मैंने? एमाइड फॉर्मेशन। तो जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे एमाइड्स की, तो पहला मेथड आ जाएगा कि एस्टर से हम बना सकते हैं आपका एमाइड्स, या आर सी ओ आर डैश प्लस आर डैश ओ एच, एल्कोहल भी बन गया और अमोनिया के साथ ये रिएक्ट भी कर गया। अब एक और रिएक्शन है, इसको फिर मैं समाप्त करूंगी। वो रिएक्शन है, रिएक्शन है रिडक्शन। हम इसकी रिडक्शन भी कर सकते हैं। रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का जमा होना, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऐड होना। ये है हमारे पास आर सी ओ आर डैश, हम इसमें डालते हैं हाइड्रोजन, हम इसको रिएक्ट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये इसको बदल देता है एल्कोहल में। क्या बन जाता है? आर सी एच टू ओ एच प्लस, ये जो सी ओ है ये किसमें बदल जाता है? हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारे पास एल्कोहल। तो ये इसकी रिडक्शन, मतलब एस्टर्स को हम एल्कोहल में भी बदल सकते हैं, एस्टर्स को हम एसिड क्लोराइड में भी बदल सकते हैं, एस्टर्स को हम एसिड्स में भी बदल सकते हैं। तो जो जिस चीज में हम बदल सकते हैं वो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता हो जाती है। ठीक है, और आखिर में जो आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ वो इसका बनाने का मेथड भी है, बट एक बहुत अच्छी उदाहरण भी है, विशेषता भी है, वो क्या है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। जो भी हमने किया मेथड बनाने में, फिकेशन मतलब एक एस्टर से हम दूसरा। तो एस्टर्स की क्या विशेषता है कि वो किसी के एल्कोहल के साथ बदलाव कर सकते हैं, अपना ग्रुप बदल सकते हैं और हमें नया एस्टर मिल सकता है, जो मैंने अभी आपको बायोडीजल्स का बताया। तो अभी तक
हमने क्या करा, मैं इसको एक संक्षिप्त में बताना चाहूँ वो क्या है। देखिए, मैंने आज आपको बताया कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसको हम COH ग्रुप कहते हैं, इसको हम नए चार विविध अलग भिन्नता के साथ, अलग विशेषताओं के साथ चार नए कंपाउंड्स में, जनरल कंपाउंड्स में बदल सकते हैं। चार कंपाउंड नहीं, चार कंपाउंड की एक सीरीज में बदल सकते हैं। तो चार क्या है, उन सीरीज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। मतलब है एसिड चीज तो सेम है लेकिन उसको नए चीजों में हमने बदल दिया। तो चार जो मैंने एसिड्स आपको बताए जो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, एक है एस्टर, एक है एसिड क्लोराइड, एक है एमाइड और एक है एनहाइड्राइड। तो क्या है, अगर ये एसिड क्लोराइड बन जाए, अगर ये एस्टर बन जाए, अगर ये एमाइड बन जाए, अगर ये एनहाइड्राइड बन जाए, लेकिन बनेगा किससे, एसिड से। तो ग्रुप तो हमारा COH है बट उसकी अलग कन्वर्शन होगी। तो सबसे पहले हमने जब श्रृंखला को बढ़ाया तो सबसे पहले हमने एस्टर को करा। तो एस्टर की विशेषता मैंने क्या बताई, कौन सा ग्रुप, COO। COO ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं ये एस्टर है। ये एस्टर जो होते हैं बहुत अच्छी खुशबू जो देते हैं, जैसे कि फ्रूट की खुशबू होती है, ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। मैंने बताया बनाना की खुशबू जैसा एस्टर, आप सेब की खुशबू जैसा एस्टर, आपके एप्रिकॉट की खुशबू जैसा एस्टर। तो ये सारे एस्टर्स की बहुत अच्छी फ्रूटी स्मेल होती है। और बनाने की क्या विधियां हैं, हम इसको एसिड से बना सकते हैं, एसिड और अल्कोहल को में जमा कर देंगे तो हम इसको बना सकते हैं, हम एनहाइड्राइड में अल्कोहल डालेंगे तो बना सकते हैं, हम एसिड क्लोराइड में डालेंगे तो बना सकते हैं। तो ऐसे कर करके हमने इसकी कुछ विधियां बनाई। और एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण दिया आपको ट्रांसएस्टरिफिकेशन का। तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन ये बताता है कि हम एक ग्रुप को, एक ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप उसमें जमा कर सकते हैं, और जिससे कि एक ही, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बन सकता है। और उसकी मैंने बहुत अच्छी विविधता आपको बताई, वो क्या है, बायोडीजल, कि वेजिटेबल ऑयल से हम बायोडीजल बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, हम रिडक्शन कर सकते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन।